नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष। और अभी थोड़ा सा सांस भारी है क्योंकि अभी अपना 1 घंटे व्यायाम करके हटा हूँ। करीब 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है सुबह का। आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये बनाने वाला हूँ, काफ़ी लोगों की काफ़ी दिन से कुछ फरमाइश आ रही थी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर, कि कैसे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बना सकें और उसे डिटॉक्सिफाई कर सकें, ताकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारी शरीर में, हमारे बॉडी में अच्छे से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसके पोषक तत्व हैं, वो अच्छे से हमारी बॉडी को लगें और हमारे हेल्दी रहने में जिससे थोड़ी सी मदद हो। तो आज सुबह सुबह व्यायाम के बाद ही मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसमें केमिकल हो। और मेरी आपसे गुजारिश है कि केमिकल वाली डिटॉक्सिफिकेशन की चीज़ों से थोड़ा सा बच कर रहें, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो डिटॉक्सिफिकेशन की चीज़ें आपको फ्री में आपके घर पर मिल जाएंगी। तो पहले समझ लेते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत किस लिए हमारी बॉडी को। डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत हमारी बॉडी को इसलिए है क्योंकि शायद आपको पता भी ना हो कि जो आपने खाना साल भर पहले खाया या 2 साल पहले खाया है, वो हो सकता है आज भी अपनी आपकी आंतों में कहीं जमा हो, कहीं फंसा हुआ हो। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपका घर है, कभी 10 साल 20 साल पहले आपने कंस्ट्रक्ट कराया हुआ, बना हुआ, तो उस टाइम जो जालियाँ लगी होंगी वो पाइप लगे होंगे, बिल्कुल ताज़े ताज़े पाइप लगे होंगे, नए पाइप लगे होंगे। अब 10-20 साल यूज़ करने के बाद आपने कई बार देखा हो कि जालियों में कचरा जम जाता है, तो उसके बाद जो आप उसमें पानी बहाते हैं वो नीचे नहीं जाता है, फंस जाता है। तो उस कचरे को साफ़ करने के लिए या तो आपको किसी प्लम्बर, किसी स्वीपर को बुलाना पड़ता है जो कि पाइप को देखे और उसे साफ़ करे, या फिर कई बार ऐसा होता है हम ड्रेनेक्स उसमें डालते हैं, साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो मेन मसला जो ये है कि हम उसको साफ़ करने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, या तो ड्रेनेक्स डालते हैं या उसकी सफाई करते हैं। अब जो हमारी बॉडी है उसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आते हैं, जो आंतों के साथ पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विलाई। विलाई का काम होता है जब भी शरीर में आपका खाना जाता है तो उस खाने के जितने भी पोषक तत्व तो होते हैं उनका निचोड़ करना और पूरी बॉडी में उसको पहुंचाना। तो सपोज़ कीजिए जब आप पैदा हुए थे तब से लेके आप तक आप खाना खाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, कभी भी डिटॉक्सिफिकेशन आपने बॉडी का नहीं किया। तो अब क्या होगा कि वो जो बॉडी के अंदर पाचन तंत्र में आपकी नाली है, उस नाली में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कचरा जमा हो गया है और उसके परिणाम स्वरूप आपको छोटी छोटी बीमारियाँ आमतौर पर देखने को मिलती होंगी। किसी के गैस बनती है, किसी के कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इन सारी बीमारियों की जड़ कहीं ना कहीं एक मेन जड़ है वो यही है कि आपने बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया। अब बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सुबह उठना है। सुबह उठते ही जो बासे मुंह की लार होती है उस लार को आपको क्या करना है कि आधे ग्लास पानी के साथ या 1 ग्लास पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ उसे घूंट लेना है। सुबह की लार को थूकना नहीं है, उसे घूंट लेना है, क्योंकि उस लार में जो होते हैं हज़ारों तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व तो होते हैं जो आपके खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ आपको एलोवेरा लेना है। एलोवेरा मेरे पास ये पड़ा हुआ है क्योंकि मैं सुबह सुबह खुद खाता हूँ इसको। तो एलोवेरा आपको लेना है, इसको बाहर से ये जो इसकी लेयर है हरी हरी इसको उतार देना है। इसकी जेल जब निकलेगी तो उस जेल को आपको चबा लेना है, 2-3 चम्मच के करीब उस जेल को आपको चबा लेना है और उसको चबा के घूंट लेना है। उसके आधे घंटे बाद आपने क्या करना है कि आपने 1 ग्लास गुनगुने पानी का या थोड़ा हल्के गर्म पानी का पी लेना है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मदद करेगा। और जो तीसरा मेन चीज़ है वो आपको क्या करना है कि जब भी आप खाना खाएं तो उस खाने को बहुत चबा चबा कर महीन करके खाएं, ताकि आपके आंतों को उसे पचाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से वो चीज़ पच जाए और आपके लीवर पे भी कम से कम इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि जितना भारी आप खाएंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। या तो आप अपने दांतों से काम लीजिए या फिर ज़बरदस्ती अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और अपने लीवर पर लोड डलवाइए। तो बेटर है, कोशिश करिए कि खाने को चबा चबा कर खाएं, ताकि आपके लीवर और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज़्यादा जोर ना पड़े। तो ध्यान रखें कि ये जो एलोवेरा है इसको सुबह सुबह चबा कर खाएँ और उसके आधे घंटे बाद 1 ग्लास गर्म पानी का पी लें। ये आपके शरीर को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर देगा। इस नुस्खे को और ये जो सारी चीज़ें मैंने कही हैं आज से कोशिश कीजिए अपने जीवन में अपनाने की, और आप देखेंगे कि 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आपको लाभ दिखने शुरू हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष।